हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सॉल्यूशंस। और इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं टाइम सेविंग एक्सेल शॉर्टकट्स। ये इस सीरीज का सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्सेल में शॉर्टकट की से रो और कॉलम को कैसे ऐड करते हैं और उन्हें रिमूव कैसे करते हैं, ये इस वीडियो हम सीखेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, मुझे यहाँ पर एक रो एड करना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको एंटायर रो को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो रो को सिलेक्ट करने के लिए आपको शॉर्टकट की प्रेस करनी है शिफ्ट प्लस स्पेस बार। तो यहां पर रो सिलेक्ट हो चुकी है। अब यहां पर आपको रो ऐड करने के लिए आपको शॉर्टकट की प्रेस करनी है कंट्रोल प्लस। तो यहां पर रेड रो ऐड हो चुकी है, ठीक है। यदि आपको इस रो को रिमूव करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले उस रो को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सिलेक्ट करने के लिए आपको शॉर्टकट की प्रेस करनी है शिफ्ट प्लस स्पेस बार। तो रो सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद में इस रो को रिमूव करने के लिए आपको शॉर्टकट की प्रेस करनी है कंट्रोल माइनस। उसी प्रकार यदि आपको कॉलम ऐड करना है तो सबसे पहले आपको कॉलम सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए आपको शॉर्टकट की प्रेस करनी है कंट्रोल स्पेस बार। तो यहां पे पूरा कॉलम सिलेक्ट हो चुका है। अब इस यहां पर कॉलम ऐड करने के लिए आपको शॉर्टकट की प्रेस करनी है कंट्रोल प्लस, ठीक है। यदि आपको इस कॉलम को रिमूव करना है तो सबसे पहले कॉलम को सिलेक्ट करें। तो सिलेक्ट करने के लिए आपको शॉर्टकट की प्रेस करनी है कंट्रोल स्पेस बार। और उसके बाद में इस कॉलम को रिमूव करने के लिए आपको शॉर्टकट की प्रेस करनी है कंट्रोल माइनस। तो इस वीडियो हमने सीखा कि कॉलम और रो को ऐड कैसे करते हैं और रिमूव कैसे करते हैं शॉर्टकट के थ्रू। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।